हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं द ऑल न्यू 2023 वेस्पा 125 VXL ड्यूल टोन कलर को लेकर। इस वीडियो पे आज हम इस वेस्पा VXL 125 की एक डिटेल रिव्यू के साथ देखेंगे कि इस न्यू ड्यूल टोन वेरिएंट पे क्या कुछ चेंजेस हुई है, साथ ही साथ स्कूटर की प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड और 2023 पे ये स्कूटर लेना आपके लिए सही होगा या गलत ये भी देखेंगे। फिलहाल इस ड्यूल टोन वेस्पा VXL 125 की कोलकाता एक शोरूम प्राइस पड़ेगा 1,34,673 रुपीस और इस ड्यूल टोन वेरिएंट पे दो कलर ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा, पर्ल व्हाइट एज्यूरो प्रोवेंजा एंड पर्ल व्हाइट बेज। और आज मेरे पास रिव्यू के लिए पर्ल व्हाइट एज्यूरो प्रोवेंजा कलर अवेलेबल है। मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा मनोहर ऑटो सेंटर को जिन्होंने ये स्कूटर मुझे रिव्यू के लिए दिए हैं। स्कूटर के ऑन रोड प्राइस, EMI स्कीम्स एंड टेस्ट राइड रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर किया हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई YouTube चैनल AN मोटो एक्सपो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो ये है दोस्तों आपके सामने 2023 द ऑल न्यू वेस्पा 125 पर्ल व्हाइट एज्यूरो प्रोवेंजा कलर। ड्यूल टोन कलर पे स्कूटर की लुक्स पहले से और ज्यादा प्रीमियम एंड आई कैची लग रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट पे बताइए ड्यूल टोन पे कौन सा कलर आपको अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलैम्प की बात की जाए तो रेट्रो टाइप राउंड से फुल LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसके बीचों बीच LED DRLs दिया गया है। LED होने के वजह से नाइट टाइम रोड विजिबिलिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ हेडलैम्प के ठीक नीचे पियाजो की बैजिंग और यहाँ साइड प्रोफाइल पे वेस्पा की 3D एम्ब्लेम मिल जाते हैं। यहाँ हॉर्न स्पीकर प्लेसमेंट की गई है और इसी के साथ स्कूटर पे इंटीग्रेटेड क्लियर लेंस बल्ब टाइप इंडिकेटर मिलते हैं। यहाँ फ्रंट फेंडर पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट नजर आएंगे और फ्रंट फेंडर की रियर साइड पे ड्यूल टोन फिनिश देखने को मिलेंगे। फ्रंट सस्पेंशन की बात की जाए तो एयरक्राफ्ट डिलीवर्ड हाइड्रोलिक सिंगल साइड आर्म विथ एंटी डाइव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रंट सस्पेंशन ऑफर की गई है। और फ्रंट टायर की बात करें तो 110/70 सेक्शन का 11 इंच ट्यूबलेस टायर, 200mm डिस्क, CVS ब्रेकिंग विथ हाइड्रोलिक कंट्रोल एंड कैलिपर के साथ मिल रहा है। स्कूटर पे आपको 5 स्पोक ग्रे कलर की अलॉय व्हील मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ स्कूटर की राइट साइड प्रोफाइल पे वेस्पा की 3D एम्ब्लेम मिलते हैं और पीछे हैलोजन टेल लैंप सेटअप के साथ क्लियरेंस इंडिकेटर मिलेगी और यहाँ लेफ्ट साइड प्रोफाइल पे वेस्पा 3B टेक की बैजिंग मिलती है। दोस्तों, अब बात करें इंजन की तो स्कूटर पे आपको 124.45 cc सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, SOHC, 3-वाल्व, FI, BS6, OBD2 कंप्लाइंट एयरकूल इंजन ऑफर किया गया है जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा 9.77 PS एट 7,400 RPM पर एंड मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी 10.11 न्यूटन मीटर एट 5,600 RPM पर। स्कूटर पे आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट बोथ ऑप्शन मिलेंगे और इसी के साथ स्कूटर पे सिंगल बैरल एग्जॉस्ट विथ सिल्वर फिनिश मफलर कवर मिल जाएंगे। तो चलिए इस वेस्पा 125 की एग्जॉस्ट नोट एक बार सुनते हैं। दोस्तों, रियर टायर की बात की जाए तो 120/70 सेक्शन का 10 इंच ट्यूबलेस टायर 140mm ड्रम ब्रेक के साथ मिल रहा है और पीछे 4 पिस्टन एडजस्टेबल ड्यूल इफेक्ट हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर ऑफर की गई है। यहाँ इंटीग्रेटेड पिलियन फुटरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ बैटरी प्लेस्ड किया गया है। यहाँ आपको ग्लोव बॉक्स मिल रहा है। इस इग्निशन की स्लॉट को प्रेस करके इसे ओपन करके कुछ छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें सीट की तो इस स्कूटर पे सिंगल पीस लॉन्ग एंड ब्रॉड सीट मिलते हैं जिसके क्वालिटी एंड स्टिच काफी प्रीमियम है। रियर पिलियन के लिए यहाँ अभी आपको बैक रेस्ट मिल जाएगा। सीट की क्रुशनिंग काफी सॉफ्ट साइड है। यहाँ सीट के फ्रंट पे एक छोटा सा हिडन कैरी हुक मिल जाएगा और यहाँ से सीट स्लॉट को ओपन करेंगे तो आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलेंगे जिसमें आप एक हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं। यहाँ अंडर सीट स्टोरेज लाइट भी दिया गया है और इसी के साथ स्कूटर पे 7.4 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है
और दोस्तों यहाँ आपको अभी USB चार्जिंग सॉकेट दे दिया है जिससे आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर पाएंगे। फ्रेंड्स अब बात करें मीटर कंसोल की, तो इस स्कूटर पे सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है जिसमें कुछ टेलटेल लाइट्स जैसे हाई बीम इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन लाइट, टर्न इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ वेस्पा की बैजिंग दिया गया है और इस MID के अंदर फ्यूल इंडिकेटर, ओडोमीटर, क्लॉक चेक कर सकते हैं और यहाँ इस मोड बटन को टॉगल करके ट्रिप ए ट्रिप बी चेंज कर पाएंगे। स्कूटर की स्विच गियर क्वालिटी एंड फिनिशिंग काफी प्रीमियम है। हैंडल बार की ग्रिप मुझे ठीक ठाक लगा और मिरर पे क्रोम फिनिश के साथ राउंड शेप रेट्रो डिजाइन नजर आएंगे। फ्रेंड्स स्कूटर पे 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की मेंटेनेंस फ्री बैटरी यूज किया गया है। स्कूटर की सीट हाइट 770 mm, जो इंडियन राइडर एवरेज 5.3 फीट होने पर भी काफी आराम से चला पाएंगे। स्कूटर की कर्ब वेट 115 kg, ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm, जो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से सही है। व्हील बेस 1290 mm, लेंथ 1770 mm, विथ 690 mm एंड ओवरऑल हाइट 1140 mm। और इसी के साथ स्कूटर पे मोनोक्यू फुल स्टील बॉडी कंस्ट्रक्शन फ्रेम मिल रहा है। टॉप स्पीड की बात करें तो 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको स्कूटर से देखने को मिल जाएगा और माइलेज की बात की जाए तो अराउंड 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको स्कूटर से मिल जाएगी। 0 to 60 स्कूटर की एक्सेलरेशन टाइम है 8.6 सेकंड। फ्रेंड्स 2023 पे अगर आप एक कंफर्टेबल राइडिंग, इजी टू कन्वीनियंट एंड एक प्रीमियम स्कूटर ढूंढ रहे हो तो वेस्पा 125 इजीली कंसीडर कर सकते हो। सो ओवरऑल 2023 वेस्पा 125 VXL डुअल टोन कलर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियोस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड इन AN Moto Expo।